एशेज से पहले किसी ने सही कहा था कि बेसबॉल नहीं चलने वाली, बेसबॉल एक्सपोज होके रहेगी और हो गई। एशेज ने साबित किया कि ये जो एशेज है इसकी क्रिकेट का लेवल ही अलग है। टेस्ट क्रिकेट एट इट्स वेरी बेस्ट, मतलब कि मजा आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने कहां से मैच को जीता है कि 5 दिन का मैच हुआ। सबसे पहले मैं इंग्लैंड की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस मैच को एक्साइटेड बनाया, उन्होंने जिसको कहते हैं ना इस मैच का रिजल्ट निकलवाने की कोशिश की। वो बेशक हार गए लेकिन उन्होंने फाइट किया, उन्होंने कहा कि ड्रा की तरफ नहीं जाएंगे, हम रिजल्ट की तरफ जाएंगे। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया की भी यही अप्रोच थी। ऑस्ट्रेलिया के भी बड़े मौके आए कि उनको सोचने पे मजबूर थे कि ड्रा करें या जिसको कहते हैं जीतने की तरफ जाए, हार भी सकते हैं, लेकिन दोनों टीमों की एक ही अप्रोच थी, हमने जीतना है। और यही टेस्ट क्रिकेट का मजा होता है। ड्रा को उन्होंने साइड पर रखा, जीत की तरफ गए। और पैट कमिंस ने जो बल्लेबाजी करती है ना, मतलब के इतने प्रेशर के अंदर, इतने प्रेशर के अंदर किसी खतरनाक टीम को उसके घर के अंदर हराना, ये ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया चैंपियंस टीम है, चैंपियंस की तरह खेले। और पैट कमिंस ने चैंपियन कैप्टन की तरह लीड किया, पहले इंडिया को हराया फाइनल के अंदर और अब जिसको कहते हैं एशेज का पहला मुकाबला भी जीत लिया। और क्या आखिर मुकाबला हुआ है, उस्मान ख्वाजा जिसको कहते हैं जबरदस्त किस्म की उन्होंने बल्लेबाजी की, 5 दिन उस बंदे ने बल्लेबाजी की, ऐसे बढ़ के क्या हो सकता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं जो मुझे लगता है जो आज का जो मैच का बनाने वाला हुआ है पैट कमिंस, क्योंकि जब एलेक्स कैडी आउट हुए थे मैंने ट्वीट कर दिया था कि मैच में जिसको कहते हैं ना मैच विनिंग कैच पकड़ा, जो रूट है जिस किस्म का उसने जिसको कहते हैं ना एलेक्स कैडी को पकड़ा हुआ था और वो कैडी जिस बॉल के ऊपर आउट होकर गए थे, लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा। लेकिन वहां से पैट कमिंस से तेज खेलना शुरू किया और कहां से मैच को वो लेकर आया, नथन लियोन उसका बड़ा अच्छा साथ दिया और मतलब मजा आ गया। बारिश ने इस मैच के अंदर जान डाली, बारिश ने जिसको कहते हैं ना दोनों टीमों को उम्मीदें दिलाई। कल लग रहा था ऑस्ट्रेलिया आराम से आके चेस कर जाएगा लेकिन आज इंग्लैंड ने अच्छी फाइट बैक किया, अच्छी बॉलिंग की। इंग्लैंड की मैं दिलेरी पे दाद देता हूं, उन्होंने पहले दिन डिक्लेयर भी किया था, क्या वो जो उन्होंने डिक्लेयर किया था वो सही चीज थी? मुझे लगता है जिसको कहते हैं ना जल्दबाजी करके, थोड़ी सी जल्दबाजी करके थोड़ा और खेल जाते ना। उनको था कि 4 ओवर उनको बल्लेबाजी करवानी, कुछ नहीं होना था 4 ओवर से, क्या होना था, बस प्रेशर इन पर डालना था ना ये विकेट के चक्कर में। अगर आप कल का सेशन भी आके थोड़ा सा खेल जाते, मतलब कल के 5-6 ओवर खेल के डिक्लेयर कर जाते, क्योंकि जितना तेज इंग्लैंड खेलता है उन्होंने कम से कम जिसको कहते हैं ना 20-30 रन और कर देने थे, और यहाँ पे 20-30 रन और होते तो बड़ा जिसको कहते हैं इंपैक्ट पड़ता, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था ना। ये आज का जो मैच है काफी देर तक चला, 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम तक ये मैच चला क्योंकि बारिश भी हुई थी और मैच का फैसला करना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों ने अच्छी क्रिकेट खेली है, किसी ने गंदी क्रिकेट नहीं खेली। इंग्लैंड के कुछ फैसले गलत थे, इंग्लैंड की थोड़ा फील्डिंग का इशू था, अदरवाइज मैं समझता हूँ इंग्लैंड ने भी बड़ी अच्छी फाइट बैक किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बताया, ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि बेसबॉल हमारे आगे नहीं चलनी, आप बेशक तेज खेल लो लेकिन आप बेसबॉल में तभी कामयाब होगे जब आपको टारगेट चेस करने को मिलेगा। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी भी की थी, ये भी आपको माइंड में रखना पड़ना है, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करके अलग तरीके से डोमिनेट करना चाह रहे थे, यही इंग्लैंड की अप्रोच रही है। हमने देखा है कि वो चौथी इनिंग्स में आके चेस किया करते हैं, 400-350 वगैरह रन चेस किया करते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अगले एशेज में क्या होगा। लेकिन इस एशेज के अंदर माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस आई है उस्मान ख्वाजा की तरफ से, जो उन्होंने क्रूशियल रोल एंकर रोल आज भी अदा किया है। पहले शुरू 5 दिन ही उस बंदे ने बल्लेबाजी की, ऐसे बढ़ के क्या हो सकता है। इसी के साथ साथ मैं समझता हूँ एशेज का वन ऑफ द बेस्ट मैच था, बहुत देखने का मजा है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, पिछले 5 जिसको कहते हैं ना एशेज की सीरीज में जो 3 ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई है, ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से वाइल्ड वो जिसको कहते हैं ना किया इंग्लैंड को अपने घर के अंदर, एक भी मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जीता हुआ। दूसरी तरफ जब पिछले 5 सीरीज के अंदर 2 दफा जो इंग्लैंड के अंदर एशेज हुए उसके अंदर 1 दफा 3-2 से इंग्लैंड जीता था, अगली दफा जिसको कहते हैं लास्ट में 2-2 से लेवल हुआ था। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़नी कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अंदर भी इंग्लैंड को डोमिनेट करना है। तो देखते ये है कि आगे जाके क्या होगा। फिलहाल जिसको कहते हैं ना बड़ा मजा है एशेज का मैच देखने का, बड़ा सच्ची में मजा है, दिल खुश हुआ और मजा आया कि पैट कमिंस ने दिखाया कि कितना बड़ा कैप्टन है, दिल खुश हो गया। आई होप जिसको कहते हैं ना ऐसी आगे जाके परफॉर्मेंस देखने को मिले। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह।